कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाली बिहार की भाजपा जदयू सरकार का पर्दाफाश हुआ है। दिनांक 26 अगस्त 2020 को बिहार के गया जिले में मोहनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कर्माटांड के विजय पासवान की लड़की करिश्मा कुमारी, जो कि नाबालिग थी, उसके साथ दबंगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसका जायजा लेने के लिए दिनांक 9 सितंबर 2020 को बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग, प्रदेश अध्यक्ष एके अंबेडकर, बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रामलंगन मांझी, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव चौधरी, बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक जयदेव यादव एवं हजारों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पीड़ितों के परिवार को हर संभव मदद करने का वचन दिया तथा सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन को कहा गया। इसके साथ ही मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंझोलिया में सरकार के द्वारा खुदाई कर छोड़ी हुई पानी से भरी हुए आहार पइन में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। इसका जायजा भी घटनास्थल पर जाकर लिया गया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने को कहा। और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एके अंबेडकर ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि ये घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त घटनाओं से सिद्ध हो गया कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियारों की आवश्यकता है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषित किया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आते ही एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियारों की वितरण करेगी और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महिला पुलिस चौकी स्थापित करेगी।